नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर व आसपास के आज के मुख्य समाचार। रादौर के गांव मारूपुर के वार्ड नंबर 3 में पंच पद के लिए दोबारा से चुनाव करवाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने शांति प्रिय ढंग से चुनाव में हिस्सा लिया। वार्ड में 91 वोट थी, जिसमें से 86 वोट पोल हुई। चुनाव में दो उम्मीदवार अमन और दिनेश आमने सामने थे। शांतिपूर्वक तरीके से हुए चुनाव में अमन ने दिनेश कुमार को 10 वोट से पटकनी दी और चुनाव जीत लिया। अमन को 48 तो दिनेश को 38 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी SDO रवि नायक के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि 2 नवंबर को चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवारों ने चुनाव चिन्हों में अदला बदली का आरोप लगाया था, जिसके कारण उस दिन इस वार्ड का चुनाव रद्द कर दिया गया था। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देकर दोबारा से चुनाव करवाने की मांग की थी। उपमंडल के गांव जुब्बल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 9 के 15 प्रत्याशी ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर प्रत्याशी ने लिखित में एक शिकायत SDM रादौर को दी और मतगणना की जांच करवाए जाने व दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में गांव जुब्बल निवासी दीपक कुमार ने बताया कि वह पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 9 से पंच प्रत्याशी था। दीपक ने बताया कि उसके वार्ड नंबर 9 में कुल 167 वोट हैं, जिसमें से 153 वोट पोल हुई, लेकिन आरोप है कि चुनाव पेटी में 155 वोट निकली, जो कि कुल पोलिंग वोट से 2 वोट अधिक थी। उसने बताया कि हम दोनों उम्मीदवारों को 74-74 वोट मिले, जबकि 7 वोट निरस्त कर दिए गए, जिन्हें मिलाकर 155 वोट बनती हैं, जबकि रिकॉर्ड में 153 वोट पोल हुई हैं। इसीलिए उन्हें शक है कि मतगणना में कुछ न कुछ हेराफेरी हुई है। दोनों उम्मीदवारों के वोट समान होने के कारण उनका चुनाव टाई होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उसकी व उसके एजेंटों की गैर मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी ने पर्ची डालकर उसके प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित कर दिया। वहाँ पोलिंग के दौरान पेटी में से 155 वोट निकली है और उसमें से 153 पोल हुई है, तो वो 2 वोट कहाँ से आई? मेरा ये मामला भी सबके दायरे में आता है और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें अफसर भी है जिन्होंने वोटिंग कराई है, कुछ भी है। उसके बाद जब वहाँ पे हुड़दंग होने लगा, दूसरे पक्ष ने किया तो हमें बाहर निकाल दिया पुलिस बल ने, और उसके बाद उन्होंने चुपचाप गुपचुप तरीके से दूसरे उम्मीदवार को जिता दिया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने गलती की है, चाहे इसमें अफसर हो चाहे कोई भी हो, और जो इसमें कुछ निकलता है उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाए। फूल गोभी के दामों में उछाल आने से किसान उत्साहित हैं। 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली फूल गोभी के दाम 18 से 20 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि पर फूल गोभी की खेती होती है। क्षेत्र के राजेड़ी गांव को तो फूल गोभी का गढ़ कहा जाता है। इस गांव का हर छोटा बड़ा किसान फूल गोभी की खेती करता है। कई दिन से फूल गोभी के दाम कम चल रहे थे, जिससे किसानों में निराशा थी, लेकिन अब फूल गोभी के दामों में उछाल आया है। सब्जी की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी खुद किसान के खेत में पहुँच कर फूल गोभी खरीद रहे हैं, जिससे किसान उत्साहित हैं और मुनाफा अच्छा होने की उम्मीद जता रहे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।